मध्य प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। सूबे में अब भी कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है। जगह जगह चुनाव में जीते विधायकों और कमलनाथ सरकार में मंत्री बनाए गए नेताओं का स्वागत समारोह के जरिए हो रहा है। ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा था शुक्रवार को जबलपुर में, जहां मंत्री लखन घनघोरिया का स्वागत चल रहा था, लेकिन तभी मंच टूट गया और मंत्री समेत सभी लोग नीचे धड़ाम। दरअसल जैसे ही घनघोरिया मंच पर पहुंचे, उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी भी मंच पर चढ़ गए, जिससे मंच इतने अधिक लोगों का वजन सह नहीं पाया और टूट गया, जिस वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अधिकारियों ने तुरंत ही सक्रियता दिखाई और मंत्री घनघोरिया को वहां से आगे बढ़ाया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ। आपको बता दें कि स्टेज गिरने का यह कोई पहला मामला नहीं है। फरवरी 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साझा कार्यक्रम से पहले स्टेज गिर गई। इस जगह पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एक जनसभा को संबोधित करना था। यह हादसा दोनों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने से पहले हुआ। इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में मंच गिर चुके हैं। पिछले साल मार्च 2017 में पटना में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान स्टेज टूट गई थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव स्टेज पर मौजूद थे। ऐसी एक घटना जून 2017 में इंदौर में उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में हुई। दरअसल कार्यक्रम के दौरान टेंट गिर पड़ा, जिस वजह से 20 लोग घायल हो गए। यह हादसा आंधी की वजह से हुआ। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।